अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त आए हुए हैं, तो उनके साथ एक शूटिंग का छोटा सा जो है हमारा इरादा हुआ, तो हमने कहा चलें इसकी वीडियो भी बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। कलीम भाई कुछ बोलेंगे इसके हवाले से? ये ग्लॉक 19 है, एक्स यूमरेक्स की यूमरेक्स ब्रांड है यूएस का, और ये इसको बना रहा है बीबी सिलेंडर के साथ। और इसमें जो है CO2 कार्ट्रिज सिलेंडर चलते हैं और सामने बीबी बॉल बेयरिंग्स, उससे ये आप ज़्यादातर ये यूज़ होता है टारगेट प्रैक्टिस के लिए और बहुत मुफीद है। बहुत इसको आप लेके इसको प्रैक्टिस बहुत यानी अच्छी कर ट्रेनिंग सकते। ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से कि ट्रेनिंग आप जो रियल ट्रेनिंग तौर पर ये बिल्कुल ग्लॉक की फर्स्ट, इनके पास लाइसेंस है, ऑफिशियल लाइसेंस इनका है, इनके पास ग्लॉक बनाने का यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफिशियली लाइसेंस है। आपको हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ऑफिशियली लाइसेंस है इनके पास ग्लॉक बनाने का। इसका सेंट्रल लॉक है, इसका जो लॉक सिस्टम है वो भी सेम टू सेम ग्लॉक वाला है। आप यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे तो ये लॉक का लॉक और जो है अनलॉक हो जाएगा ट्रिगर जो है इसका। अच्छा, मैंने भी इसे चलाया है, बिल्कुल रियल फील आती है, कोई इसमें जो ग्लो बैग भी सेम है इसमें, मतलब अगर आप चैम्बर खींचते हैं तो इसमें ग्लो बैग वाला जो है सिस्टम दिया हुआ है पूरा, बिल्कुल रियल गन की फील आती है। और अगर हम चलाएंगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि ये जो है बिल्कुल एक रियल गन की आपको अभी फील फायर नहीं हो रहा है। मैं जैसे अनलॉक करूँगा तो ये पीछे आगे ट्रिगर हो जाएगा। इसमें सेम टू सेम जो है ना इसका वो सिस्टम दिया हुआ है जो ओरिजिनल ग्लॉक में दिया हुआ है, लेकिन ये भी सेम ओरिजिनल ही है। इसमें जो फाइबर और ये जो कोटिंग यूज़ हुई हुई है, जो इसका फाइबर है, जो इसका बैरल्स हैं और ये सब चीज़, सिर्फ और सिर्फ बैरल का फ़र्क है और जो है चैम्बर और फायर पिन का, बाकी सेम टू सेम एज इट इज़ ग्लॉक ही है। इसमें सिलेंडर बीच में आएगा, पीछे तो खुलता है इसका सिलेंडर जो है, ये आप ये खुलेगा, इसकी की हल्की से आप खोल के सिलेंडर फिट करके उसको फिट कर देंगे। CO2 कार्ट्रिज, इसका CO2 कार्ट्रिज भी मैं आपको एक काम करते हैं, हम CO2 कार्ट्रिज लगाते हैं और वो भी दिखाते हैं साथ में ना कि किस तरीके से वर्क करें। ये इसका यूमरेक्स का ही CO2 कार्ट्रिज है, यूमरेक्स ब्रांड का ही CO2 कार्ट्रिज है। ये इसकी सील होती है, ये इसमें लगेगा और उसमें बीबीज जो बैरिंग जो आप इसको छर्रे बोल दें वो डाल के आप इसको आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई लोग बड़ा मज़ा आने वाला है अभी, तो जब चलाएंगे तो मज़ा आएगा। और अच्छा, ये जो है इसका सिलेंडर CO2, ये मैगजीन है। अच्छा, ये इसके अंदर एक सिलेंडर में कितने जो है हमें जो है तकरीबन 30-35 शॉट इसके इजीली हो जाते हैं। हाँ, 40-42 तक भी जाते हैं, लेकिन फिर उसकी पावर कम हो जाती है। सही। और जो है ये इसकी एलकी है, ये मैगजीन है। इसका खोलने का तरीका ये है कि जैसे ये ग्लॉक का इसका लोगो लगा हुआ है, आपको थोड़ा सा पुश करके बैक पे लेके जाएंगे। इसके हम एलकी निकालते हैं, ये जो इसकी लॉन्ग साइड जो है ना ये हम डालेंगे इधर, इसको थोड़ा लूज करेंगे। लूज़ करने के बाद ये जो सिलेंडर है इसको हम डालेंगे इधर ऐसे, और इसकी जो एलकी को वापस डाल के हम थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे। अब जहाँ पे आपने देखा ये टर्न हो गया, इसको पकड़ने के बाद इसको ठंडा हो गया, इसको फुल हमने बंद कर दिया। इट्स मीन आप हाथों में इतनी ठंडक आई है जैसे एसी की ठंडक होती है, गैस होती है ना, ये उस टाइप की गैस होती है। इसको हमने सील इसकी ओके हो गई, वापस हमने इसको लॉक कर दिया। ठीक, फैजान भाई आप इसको पकड़ेंगे, देखें कि ठंडक कितनी है इतनी इसकी। यार ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई जमी हुई चीज़ या बर्फ़ को मैंने जो है ना हाथ में ले लिया। बिल्कुल, अब जो है अच्छा, ये आप इसका इश्यू है कि अगर आपने इसको लगाया है तो आपने तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर इसको जो है यूज़ कर लेना है। चल तो एक हफ़्ता भी जाता है, लेकिन वही बात है, पावर ख़त्म हो जाती है इसकी ना। अब इसके हल्की को वापस हम डाल देते हैं ताकि ये मिस ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये जो है इसके बॉल बेयरिंग्स हैं, बीबी, जिसको बीबी बोलते हैं इसको, देखें इस तरह से होते हैं। ये किस साइज का होता है?
ये 4.5 mm इसका साइज, और इस पे जो है आप 18 शॉट्स तक डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 5-5 करके शॉट्स निकालें, उससे ये कि आपकी फायर पिन जो है इसकी सेट रहती है। ये आपने इस तरह से करके, अच्छा मैंने देख रहे हैं आपको, मैंने इसको लॉक कर दिया है अभी नीचे ला के, सही ताकि इजीली जो है आप इसको इजीली डाल सकते हो। एक दो डल चुके हैं, 3-4 और ये 5, फिर हमने इसको नीचे से ऊपर लेकर आ गए, ये इस तरह से आ गया सही। अच्छा अभी ये लॉक नहीं है, तो हमने इसको अभी अनलॉक करा हुआ ऑलरेडी, इसको हमने मैगजीन को ओपन करके डालना है, डल गया। तो बहुत ज़बरदस्त लगी ये चीज़ जो है, और देखें हो सकता है कि फिर मुझे भी ख़रीदनी पड़ जाए, ऐसा शौक अगर हो गया, क्या कहते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आज के बाद मैं भी बोलूँगा कि यार मुझे भी लेनी है। ये आपको रियल गन से ज़्यादा मज़ा देगी। चलो भाई, ये कलीम भाई ने बोल दिया है कि रियल गन से ज़्यादा मज़ा देगी, तो फिर इसको चेक करते हैं और फिर आपको भी बताते हैं कि भाई ये, वैसे मैंने यूज़ कर चुका हूँ पहले, बिल्कुल, तो वीडियो के लिए बोल रहा हूँ कि रियल गन के लिए, लेकिन ये दे रही है मज़ा दे, ठीक है ना। आप रियल गन को इतना ओपनली नहीं चला सकते, उसके लिए जो 10 चीज़ें हैं, तो इसके अंदर आप इजीली घर के अंदर बैठ करके आराम से आप अपने घर में वाइफ आप को, अपना शौक को, या आप ये कह लो कि अपना कीड़ा दिखा सकते हैं, अपना कीड़ा ख़त्म कर सकते हो, है ना। चलें फिर देखते हैं इसको, ये आपने लोड हो गई है, सही सही। अब हम इसको फायर करेंगे, फायर करते हुए दिखाएंगे कि आप इसका ब्लो बैग चेक करिएगा, बस देखा आपने, बिल्कुल रियल गन की तरह सही चैम्बर पीछे आ गया। इट्स मीन के जो है खाली हो गया ठीक मैगजीन खाली हो गया, क्लियर हो गया बस। भाई जान, ये कोई एंड चीज़ बनाइए, कोई एंड चीज़ है ये कलिंग में, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस मार्केट में 60-65,000 है, इम्पोर्टेड है, वेरी करता है कि आप डायरेक्ट इम्पोर्टर से लेंगे तो उससे आपको प्राइस सही मिल जाएंगे, और डीलर से लेंगे तो थोड़े प्राइस ज़्यादा मिलेंगे। यार जर्क भी सेम, मतलब आपको नॉर्मली जैसे मिलता है ना वैसे ही रिकॉइल हो रहा है इसका, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप इसको अर्लियर स्टेज पर यूज़ करना चाह रहे हैं ना, कि जो आप ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, इवन कि मुझे तो ये लग रहा है इसकी पावर इतनी कि आप इससे सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं किसी हद तक, क्या कहते हैं कलिंग भाई? बिल्कुल, इसका आप ये देखेंगे तो इसको अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका सेफ्टी लॉक पर्पस है, इसको अगर आप नीचे कर देंगे तो ये सेफ्टी, और सेम ग्लॉक सिस्टम इसमें दिया हुआ है, सेम इसकी क्वालिटी, इसका ऊपर का चैम्बर, ये इसकी बॉडी फाइबर सेम ग्लॉक वाला है, सिवाय बैरल के और फायर पेन और मैगजीन के। जबरदस्त है यार, ये तो यार लेने पड़ेगी भाई, है यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये मुझे लग रहा है कि एक नई चीज़ कलेक्शन में आने वाली है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, इसके हम आपको लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो इसके और भी रिव्यूज़ हैं US बेस्ड जो है लोगों ने बनाए हुए और UK में, तो वो भी आप देखिएगा, चेक करिएगा। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी हमारी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बाकी जो हमारे पास ऐसी चीज़ें या दूसरी भी चीज़ें आती रहेंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे ऐसी छोटे छोटे व्लॉग की सूरत में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।